आईबीएन नमस्कार दोपहर के बारह बजे है मैं हूं पंकज भार्गव खबर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की उन्होंने बयान देकर एक बार फिर वो विवाद में हैं इस बार उन्होंने अगड़ी जाति के लोगों को विदेशी करार दिया है मीडिया में आए उनके इस बयान के बाद आज भी बवाल जारी है खुद उनकी ही पार्टी के नेता ही उन पर जो बयान उन्होंने दिया उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं जेडीयू नेता आनंद सिंह ने उन्हें पागल तक करार दिया है वाल्मीकि नगर में आदिवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ऊंची जाति के लोग इस देश के मूल निवासी नहीं है फिर भी राज कर रहे हैं सीएम यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि आदिवासी और दलित ही यहां के मूल निवासी हैं और उन्हें अपना अधिकार लेना चाहिए अरे पागल हो गया है उसको कांके देना चाहिए मुख्यमंत्री लायकू नहीं है नीतीश जी को खुद गति संभाल लेना चाहिए और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस बयान की निंदा की है बीजेपी के नंद किशोर यादव के मुताबिक अपने विवादास्पद बयानों से पद की गरिमा गिराने पर आमादा मुख्यमंत्री ने एक वर्ग को विदेशी बताकर समाज में तनाव बढ़ाने का काम किया है देखिए समाज के एक तबके को विदेशी कहना ये घोर निंदनीय है मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी आजकल नीतीश कुमार जी के टिप्स के आधार पर सरकार चलाते अपनी बात करते हैं नीतीश कुमार जी को इस बात का जवाब देना चाहिए क्या वो जीतन राम मांझी के बयान से संतुष्ट हैं? क्या जीतन राम मांझी के बयान से वो सहमत हैं? मांझी जी का यह बयान समाज को तोड़ने वाला है समाज में तनाव पैदा करने वाला है समाज में बिखराव पैदा करने वाला है अब जनता दल यू चुनाव में निश्चित पर जान करके समाज को टुकड़े में बांटकर राजनीति करना चाहती है बिहार के मुख्यमंत्री बार बार सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बेबुनियाद और और बेमतलब की मुद्दे उठाते रहते हैं उन्होंने कभी ये कहा था कि किसी मंदिर में उनके तरफ से व्यवहार ठीक नहीं हुआ उन उनके जाने के बाद मंदिर की सफाई की गई है तो वो सब घर वो सारे बयान गलत साबित हुए हैं उसके बावजूद इस तरह की टिप्पणियां करना मैं समझता हूं ये एक राजनीतिक सोच है एक राजनीतिक षड्यंत्र है की बात है कि मुख्यमंत्री के अहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसने संविधान का शपथ लिया है वो इस तरह की बातें करता है कि ऊंची धारजात के लोग फॉरेनर्स हैं दुखद बात है हम इसकी निंदा करेंगे कड़े शब्दों में लगता है वो रात में तय करते हैं कि सुबह क्या बोलना है ताकि हेडलाइंस बने खबरें बने उनका यह दृष्टिकोण कि आरे बाहर के थे और कहां के थे ये समाज को तोड़ने वाला है जोड़ने वाला नहीं है और चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं समाज को तोड़ने वाला बयान दिया है जीतन राम मांझी ने इस तरह के बयान तमाम राजनीतिक दलों से आ रहे हैं खुद जेडीयू के लोग जो हैं वो भी इस बयान की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं बिल्कुल देखिए यह बयान जब से आया है उसके बाद से लगातार जो विरोधी दल के लोग हैं वो तो निंदा कर ही रहे हैं लेकिन अब जो है पार्टी के कई लोग हैं वो साफ तौर पर खुलकर बोलने लगे हैं जेडीयू के प्रवक्ता ने ये कहा है कि जो जीतन राम मांझी ने बयान दिया है वो बिल्कुल सही नहीं है और पार्टी उसे इतफाक नहीं रखती है और अनंत सिंह का आपने बयान अभी सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर इस तरह के बयान के बाद वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको हटा देना

और अब तो सफाई जो है वो नीतीश कुमार से भी मांगी जा रही है क्योंकि उन्होंने ही उनके नाम को आगे किया था और जब वो खुद हटे तो सीएम जीतन राम मांझी बने थे देखिए पार्टी के कई विधायकों से इस मुद्दे पर मेरी बात हुई है उनका साफ तौर पर कहना था कि जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था उस समय यह नहीं देखा गया था कि जीतन राम मांझी इस तरह से अपने बयान को सामने लाने लगेंगे और पार्टी के लाइन से हटकर वो बात करने लगेंगे हालांकि नीतीश कुमार से जब भी इस मुद्दे पर पूछा जाता है तो वो कुछ भी बोलने से इंकार कर इनकार कर देते हैं और साफ तौर पर जवाब देते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन जिस तरह के अभी बयान शुरू हुए हैं और जीतन राम मांझी का विरोध शुरू हुआ इससे यह साफ जाहिर होने लगा है कि जेडीयू में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन कुमार इस तमाम जानकारी के लिए और ये जो पूरा विवाद है वो क्यों हुआ यह हम आपको सुनाते हैं सीएम जीतन राम मांझी ने कहा क्या था लोग हिंदुस्तान के आदिवासी हैं जो बाहर से आर्यन आकर के हम पर आक्रमण किया आज दूसरा दूसरा जाति जो बड़ी जाति की बात करते हैं वे लोग सब विदेशी हैं हम लोग सब आदिवासी हैं मूल निवासी यहाँ का हमारा यहाँ अधिकार है इसलिए अधिकार लेने के लिए तुमको पात्र बनना होगा और इस बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के अनुसार ये मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत राय हो सकती है पार्टी की नहीं मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया वो निश्चित रूप से पार्टी की नीतियों के अनुरूप नहीं है हमने साफ तौर पर कहा है कि जनता दलियों के नेता नीतीश कुमार जी की नीति रही है किसी को आहत करना नहीं सबको सम्मान देना तो पार्टी की घोषित नीतियों के अनुरूप हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए